जब आप कमजोर हैं तब सामने वाले को दिखाइए कि आप अत्यंत ताकतवर हैं। जब आप अत्यंत ताकतवर हैं तब सामने वाले को दिखाइए कि आप कमजोर हैं। ठीक, परिणाम क्या होगा? रियल लाइफ से उदाहरण दूं, दो ठो उदाहरण आपको देता हूं। ठीक है, अगर आप कमजोर हैं तो दिखाइए ताकतवर हूं, सामने वाला डर जाएगा, आप पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप ताकतवर हैं तो आप बताइए मैं कमजोर हूं, तब सामने वाला अटैक करेगा, तब आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा। फिर सर्प का फन कुचल दीजिए जब आपको काटने के लिए फन उठाए, सही है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, शत्रु से तो कदम आगे सोचने का। लाल बहादुर के शास्त्री के साथ यही हुआ था जी। पाकिस्तान सोचा, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, चीन बहुत पिटाई कर चुका था भारत का, भारत कमजोर है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री शास्त्री जी बन चुके हैं। पाकिस्तान इसी भ्रम में था कि पाकिस्तान भारत तो बहुत कमजोर है, चीन से पिटाई हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान ने हमला करा भारत के ऊपर, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि शास्त्री जी बन चुके हैं प्रधानमंत्री, भारत बदल गया है। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान का इतना पिटाई हुआ, नानी याद आ गया, चार पांच नानी एक ही बार याद आ गया। वो इसलिए आता रहता है, आती रहती है, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसको उत्तर नहीं दे सकते, उत्तर दे नहीं पाते। अब दूसरा शास्त्री कोई है नहीं ना, दूसरा शास्त्री होता तो औकात दिखा दिया होता। दूसरा शास्त्री अब जन्म नहीं ले रहा है ना, हमें उत्पादन करना पड़ेगा दूसरे शास्त्री का। अब